सब लोग यहाँ दिखाने आए हैं कि हम भैंस का चारा भी काटना जानते हैं, हम खेती भी करना जानते हैं और हम देश चलाना भी जानते हैं। इसलिए अनुशासन के साथ हमारी ये संसद चलेगी। The session begins with a 1 minute silence in honor of the 547 farmers who have died during this movement. 26 तारीख को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और यहाँ जंतर मंतर पे महिलाओं की तरफ से, किसान महिलाओं की तरफ से यहाँ पे किसान संसद चलाई जा रही है, जिस पे आज बहुत ही विस्तार रूप से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पे बातचीत हुई है। और एक बात जो ज़ोर ज़ोर महिलाओं ने कही है, जो मुझे लगता है मैं भी यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो 3 कानून हैं, कृषि कानून हैं, इनको बहुत सारी जनता समझ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी हैं। हम उस चीज़ को बार बार यहाँ पे दोहराना चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि ये महिला विरोधी भी है। वो कैसे हैं? क्योंकि जिस गति से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके साथ अगर इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हमारी जो ज़रूरी वस्तु की चीज़ें हैं उनको अगर उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके चलते महंगाई बढ़ती है, जो कि मैं हवा में नहीं बोल रही, आप पिछले 8 महीने में सरसों के तेल के रेट उठा के देख लीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। तो वो जो हर एक हाउस होल्ड का, इंडियन हाउस होल्ड का जो बजट है रसोई का, सबसे पहली काट उस पर लगाएगा, जिसका मतलब है कि सबसे पहली काट महिलाओं के ऊपर लगेगी। और उसके बाद ये भी हम बाखूबी जानते हैं कि अगर किसी घर का बजट कम है और उनके पास पढ़ाने का चांसेस सिर्फ एक बच्चे को है, तो वो प्रेफरेंस हमेशा घर के लड़के को मिलेगी, ना कि लड़की को। तो इस तरीके से ये सीधा सीधा महिला विरोधी है और उसके साथ साथ ये इस देश के सारे नागरिकों के विरोध में है, क्योंकि हाल ही में पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है किस तरीके से हमारे देश का सिस्टम कोलैप्स किया है, किस तरीके से भूख से तड़प के लोग इस देश में मरे हैं। तो बजाय कि फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के, हमारी सरकार इस क्रूशियल घड़ी में इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। और इसी मुद्दे पे आज लगातार महिलाओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी है। आज का सेशन जो है वो पूरा महिलाएं एज फार्मर्स, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है और आज फोकस इसी पे रहेगा कि महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन फार्मर की तरह हो, ताकि उनको जो लैंड राइट्स हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं, लोन्स हैं, ये सब चीज़ों में बराबर की भागीदारी मिले। अभी तो हालत ये है कि जिनके पति आत्महत्या कर रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड जो हैं, उनको कंपनसेशन लेने में इतनी दिक्कत होती है और उनका जो लोन है वो उनको उतारना पड़ता है उसके बाद भी महिलाओं को, लेकिन मिलता कहीं नहीं है लोन उनको। तो ये जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वेमेन के साथ, जो फार्मिंग में इतना इन्वेस्ट करती हैं वो, लेकिन 13% लैंड होल्डिंग उनके नाम है केवल, आज तक देश की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं। तो ये जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर आज विचार विमर्श है और खास फोकस जो है वो इसके ऊपर है। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो कानून बनाया गया है, जिसमें जमाखोरी की इजाज़त दी गई है, तो ये जमाखोरी की जो इजाज़त दी गई है खाने की वस्तुओं में, ये बहुत ही गलत कानून है और इससे महिलाओं की भुखमरी जो है वो बढ़ेगी, खास तौर पे क्योंकि जब मतलब नकली तरीके से स्केयरसिटी बनाई जाएगी चीज़ों की, तो महंगाई बढ़ेगी तो खाने पे असर पड़ेगा तो फिर सबसे पहले कटौती महिलाओं के खाने में और स्वास्थ्य में होती है। तो इस वजह से फिर ये जो महिलाओं पे उसका इम्पैक्ट होगा वो भी आज विशेष डिस्कशन के लिए रखा गया। When the previous Chief Justice of India passed this comment that औरतें सड़कों पर क्यों हैं, I was really pissed off that somebody from my legal fraternity, who's supposed to follow constitution, who's supposed to know that women are equal citizens in this country, is passing such a lewd remark.
That was a lewd remark according to me. So now I really want to say that today is the revolution in making. Today is the history in making. We are here. We are here claiming our rights. We are here reclaiming India. We are here talking about our rights equally. And we are here to prove that we are the equal citizens of this country. You know, I was hearing while I was coming on the bus that somebody told that earlier we used to be afraid of the police. Now we do not. We are not scared of the police even. So I think it's a very brave step from this New Kisan Morcha that they have planned such a big event, and this will be remembered in history to come. If women and kids are even coming on the roads, he should be ashamed of himself and his very policy of ignoring the protests so that they die natural death. This has been his policy. He has done it to various protests. We have CA and RC also. He treated the protests the same way he ignored. So the same way he's ignoring us. But we will not be ignored. The whole world is watching. The whole world is really watching us. So yes, I think there is no going back, and he should be ashamed of himself. That is all I can say. हमने आज तक चूल्हा चौका चुलाया है, अब हमें संसद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आने वाले टाइम में संसद वालों को यहाँ सड़क पे बिठाना है और सड़क वालों को संसद में भेजना है। आने वाले टाइम में हम अपने वोट का अधिकार ऐसे तरीके से करेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे ने एक वो नहीं कहते हैं एक डफली में डालकर खुंटी पर टांग देंगे। हरियाणा के हैं, इनका पक्का इलाज करांगे। कच्चा इलाज में काम कौन चलता, क्योंकि इन लोगों ने नारी शक्ति को कमजोर समझा है। जब उस टाइम लक्ष्मीबाई एक थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई मैदान में हैं और इन लोगों को यह बता देंगे सत्ता परिवर्तन में नारी शक्ति का अहम रोल होगा और आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद पे कब्जा हम लोगों का होगा। और ये सरकार को वार्निंग है और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें। It is day 3 of the Kisan Parliament, and today's session is going to be conducted entirely by women farmers from all over India. तो आज हम लोग यहाँ दिखाने आए हैं कि हम भैंस का चारा भी काटना जानते हैं, हम खेती भी करना जानते हैं और हम देश चलाना भी जानते हैं। इसलिए अनुशासन के साथ हमारी ये संसद चलेगी। The session begins with a 1 minute silence in honor of the 547 farmers who have died during this movement. 26 तारीख को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और यहाँ जंतर मंतर पे महिलाओं की तरफ से, किसान महिलाओं की तरफ से यहाँ पे किसान संसद चलाई जा रही है, जिस पे आज बहुत ही विस्तार रूप से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पे बातचीत हुई है। और एक बात जो जोर जोर महिलाओं ने कही है, जो मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो 3 कानून हैं, कृषि कानून हैं, इनको बहुत सारी जनता समझ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी हैं। हम उस चीज़ को बार बार यहाँ पे दोहराना चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि ये महिला विरोधी भी है। वो कैसे हैं? क्योंकि जिस गति से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके साथ अगर इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हमारी जो ज़रूरी वस्तु की चीज़ें हैं उनको अगर उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके चलते महंगाई बढ़ती है, जो कि मैं हवा में नहीं बोल रही, आप पिछले 8 महीने में सरसों के तेल के रेट उठा के देख लीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। तो वो जो हर एक हाउस होल्ड का, इंडियन हाउस होल्ड का जो बजट है रसोई का, सबसे पहली काट उस पर लगाएगा, जिसका मतलब है कि सबसे पहली काट महिलाओं के ऊपर लगेगी। और उसके बाद ये भी हम बाखूबी जानते हैं कि अगर किसी घर का बजट कम है और उनके पास पढ़ाने का चांसेस सिर्फ एक बच्चे को है, तो वो प्रेफरेंस हमेशा घर के लड़के को मिलेगी, ना कि लड़की को। तो इस तरीके से ये सीधा सीधा महिला विरोधी है और उसके साथ साथ ये इस देश के सारे नागरिकों के विरोध में है, क्योंकि हाल ही में पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है किस तरीके से हमारे देश का सिस्टम कोलैप्स किया है, किस तरीके से भूख से तड़प के लोग इस देश में मरे हैं। तो बजाय कि फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के, हमारी सरकार इस क्रूशियल घड़ी में इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। और इसी मुद्दे पे आज लगातार महिलाओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी है। आज का सेशन जो है
वो पूरा महिलाएं एज फार्मर्स उनके जो कंसर्न्स हैं उनकी मेन स्ट्रीमिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है और आज फोकस इसी पे रहेगा कि महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन फार्मर की तरह हो ताकि उनको जो लैंड राइट्स हैं उनको जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं लोन्स हैं ये सब चीज़ों में बराबर की भागीदारी मिले। अभी तो हालत ये है कि जिनके पति आत्महत्या कर रहे हैं फार्मर्स सुसाइड जो हैं उनको कंपनसेशन लेने में इतनी दिक्कत होती है और उनका जो लोन है वो उनको उतारना पड़ता है उसके बाद भी महिलाओं को, लेकिन मिलता कहीं नहीं है लोन उनको। तो ये जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वेमेन के साथ जो फार्मिंग में इतना इन्वेस्ट करती हैं वो, लेकिन 13% लैंड होल्डिंग उनके नाम है केवल आज तक, देश की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं। तो ये जो कंसर्न्स हैं उनके उनके ऊपर आज विचार विमर्श है और खास फोकस जो है वो इसके ऊपर है। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो कानून बनाया गया है जिसमें जमाखोरी की इजाज़त दी गई है, तो ये जमाखोरी की जो इजाज़त दी गई है खाने की वस्तुओं में, ये बहुत ही गलत कानून है और इससे महिलाओं की भुखमरी जो है वो बढ़ेगी खास तौर पे, क्योंकि जब मतलब नकली तरीके से स्केर्सिटी बनाई जाएगी चीज़ों की तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो खाने पे असर पड़ेगा, खाने पे असर पड़ेगा तो फिर सबसे पहले कटौती महिलाओं के खाने में और स्वास्थ्य में होती है, तो इस वजह से फिर ये जो महिलाओं पे उसका इम्पैक्ट होगा वो भी आज विशेष डिस्कशन के लिए रखा गया। When the previous Chief Justice of India passed this comment that औरतें सड़कों पर क्यों हैं, I was really pissed off that people, somebody from my legal fraternity who's supposed to follow constitution, who's supposed to know that women are equal citizens in this country, is passing such a lewd remark. That was a lewd remark according to me. So now I really want to say that today is the revolution in making, today is the history in making. We are here claiming our rights, we are here reclaiming India, we are here talking about our rights equally, and we are here to prove that we are the equal citizens of this country. You know, I was hearing while I was coming on the bus that somebody told that earlier we used to be afraid of the police, now we do not, we are not scared of the police even. So I think it's a very brave step from this New Kisan Morcha that they have planned such a big event, and this will be remembered in history to come. If women and kids are even coming on the roads, he should be ashamed of himself and his very policy of ignoring the protests so that they die natural death. This has been his policy. He has done it to various protests. We have CA and RC also. He treated the protests the same way, he ignored. So the same way he is ignoring us. But we will not be ignored. The whole world is watching. The whole world is really watching us. So yes, I think there is no going back, and he should be ashamed of himself. That is all I can say. हमने आज तक चूल्हा चौका चुलाया है, अब हमें संसद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आने वाले टाइम में संसद वाले को यहाँ सड़क पे बिठाना है और सड़क वाले को संसद में भेजना है। आने वाले टाइम में हम अपने वोट का अधिकार ऐसे तरीके से करेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे ने एक वो नहीं कहते हैं एक डफली में डालकर खुंटी पर टांग देंगे, हरियाणा के हैं इनका पक्का इलाज करांगे, कच्चा इलाज में काम कौन चलता, क्योंकि इन लोगों ने नारी शक्ति को कमजोर समझा है। जब उस टाइम लक्ष्मीबाई एक थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई मैदान में है और इन लोगों को यह बता देंगे सत्ता परिवर्तन में नारी शक्ति का अहम रोल होगा और आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद पे कब्जा हम लोगों का होगा, और ये सरकार को वार्निंग है और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें। It is day 3 of the Kisan Parliament, and today's session is going to be conducted entirely by women farmers from all over India. तो आज हम लोग यहाँ दिखाने आए हैं कि हम भैंस का चारा भी काटना जानते हैं, हम खेती भी करना जानते हैं और हम देश चलाना भी जानते हैं, इसलिए अनुशासन के साथ हमारी ये संसद चलेगी। The session begins with a 1 minute silence in honor of the 547 farmers who have died during this movement.
26 तारीख को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और यहाँ जंतर मंतर पे महिलाओं की तरफ से, किसान महिलाओं की तरफ से यहाँ पे किसान संसद चलाई जा रही है, जिस पे आज बहुत ही विस्तार रूप से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पे बातचीत हुई है। और एक बात जो जोर जोर महिलाओं ने कही है, जो मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो 3 कानून है, कृषि कानून है, इनको बहुत सारी जनता समझ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी हैं। हम उस चीज़ को बार बार यहाँ पे दोहराना चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि ये महिला विरोधी भी है। वो कैसे हैं? क्योंकि जिस गति से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके साथ अगर इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हमारी जो ज़रूरी वस्तु की चीज़ें हैं उनको अगर उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके चलते महंगाई बढ़ती है, जो कि मैं हवा में नहीं बोल रही, आप पिछले 8 महीने में सरसों के तेल के रेट उठा के देख लीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। तो वो जो हर एक हाउस होल्ड का, इंडियन हाउस होल्ड का जो बजट है रसोई का, सबसे पहली कार्ड उस पर लगाएगा, जिसका मतलब है कि सबसे पहली कार्ड महिलाओं के ऊपर लगेगी। और उसके बाद ये भी हम बाखूबी जानते हैं कि अगर किसी घर का बजट कम है और उनके पास पढ़ाने का चांसेस सिर्फ एक बच्चे को है, तो वो प्रेफरेंस हमेशा घर के लड़के को मिलेगी, ना कि लड़की को। तो इस तरीके से ये सीधा सीधा महिला विरोधी है, और उसके साथ साथ ये इस देश के सारे नागरिकों के विरोध में है, क्योंकि हाल ही में पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है किस तरीके से हमारे देश का सिस्टम कोलैप्स किया है, किस तरीके से भूख से तड़प के लोग इस देश में मरे हैं। तो बजाय कि फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के, हमारी सरकार इस क्रूशियल घड़ी में इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। और इसी मुद्दे पे आज लगातार महिलाओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी है। आज का सेशन जो है वो पूरा महिलाएं एज फार्मर्स, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है, और आज फोकस इसी पे रहेगा कि महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन फार्मर की तरह हो, ताकि उनको जो लैंड राइट्स हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं, लोन्स हैं, ये सब चीज़ों में बराबर की भागीदारी मिले। अभी तो हालत ये है कि जिनके पति आत्महत्या कर रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड जो हैं, उनको कंपनसेशन लेने में इतनी दिक्कत होती है, और उनका जो लोन है वो उनको उतारना पड़ता है उसके बाद भी महिलाओं को, लेकिन मिलता कहीं नहीं है लोन उनको। तो ये जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वेमेन के साथ, जो फार्मिंग में इतना इन्वेस्ट करती हैं वो, लेकिन 13% लैंड होल्डिंग उनके नाम है केवल, आज तक देश की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं। तो ये जो कंसर्न्स है उनके ऊपर आज विचार विमर्श है, और खास फोकस जो है वो इसके ऊपर है। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो कानून बनाया गया है, जिसमें जमाखोरी की इजाज़त दी गई है, तो ये जमाखोरी की जो इजाज़त दी गई है खाने की वस्तुओं में, ये बहुत ही गलत कानून है, और इससे महिलाओं की भुखमरी जो है वो बढ़ेगी खास तौर पे, क्योंकि जब मतलब नकली तरीके से स्केयरसिटी बनाई जाएगी चीज़ों की, तो महंगाई बढ़ेगी। तो When the previous Chief Justice of India passed this comment that औरतें सड़कों पर क्यों हैं, I was really pissed off that somebody from my legal fraternity, who's supposed to follow constitution, who's supposed to know that women are equal citizens in this country, is passing such a lewd remark. That was a lewd remark according to me. So now I really want to say that today is the revolution in making, today is the history in making. We are here claiming our rights, we are here reclaiming India, we are here talking about our rights equally, and we are here to prove that we are the equal citizens of this country. You know, I was hearing while I was coming on the bus that somebody told that earlier we used to be afraid of the police, now we are not scared of the police even. So I think it's a very, very brave step from this New Kisan Morcha that they have planned such a big event, and this will be remembered in history to come. If women and kids are even coming on the roads, he should be ashamed of himself and his very policy of ignoring the protests so that they die natural death.
दिस हैज बीन हिज पॉलिसी, हैज डन इट टू वेरियस प्रोटेस्ट. वी हैव CANRC ऑल्सो, ही ट्रीटेड द प्रोटेस्ट द सेम वे, ही इग्नोर्ड. सो द सेम वे ही इज इग्नोरिंग अस, बट वी विल नॉट बी इग्नोर्ड. द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग, द होल वर्ल्ड इज रियली वॉचिंग अस. सो येस, आई थिंक देर इज नो गोइंग बैक एंड ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज ऑल आई कैन से. हमने आज तक चूल्हा चौका चुलाया है, अब हमें संसद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं. आने वाले टाइम में संसद वाले को यहाँ सड़क पे बिठाना है और सड़क वाले को संसद में भेजना है. आने वाले टाइम में हम अपने वोट का अधिकार ऐसे तरीके से करेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे ने एक वो नहीं कहते हैं एक डफली में डालकर खुंटी पर टांग देंगे. हरियाणा के हैं, इनका पक्का इलाज करांगे. कच्चा इलाज में काम कौन चलता, क्योंकि इन लोगों ने नारी शक्ति को कमजोर समझा है. जब उस टाइम लक्ष्मीबाई एक थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई मैदान में हैं और इन लोगों को यह बता देंगे सत्ता परिवर्तन में नारी शक्ति का अहम रोल होगा और आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद पे कब्जा हम लोगों का होगा. और ये सरकार को वार्निंग है और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें. It is day 3 of the Kisan Parliament and today's session is going to be conducted entirely by women farmers from all over India. तो आज हम लोग यहाँ दिखाने आए हैं कि हम भैंस का चारा भी काटना जानते हैं, हम खेती भी करना जानते हैं और हम देश चलाना भी जानते हैं. इसलिए अनुशासन के साथ हमारी ये संसद चलेगी. The session begins with a 1 minute silence in honor of the 547 farmers who have died during this movement. 26 तारीख को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और यहाँ जंतर मंतर पे महिलाओं की तरफ से, किसान महिलाओं की तरफ से यहाँ पे किसान संसद चलाई जा रही है, जिस पे आज बहुत ही विस्तार रूप से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट पे बातचीत हुई है. और एक बात जो जोर जोर महिलाओं ने कही है, जो मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो 3 कानून है, कृषि कानून है, इनको बहुत सारी जनता समझ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी हैं. हम उस चीज़ को बार बार यहाँ पे दोहराना चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि ये महिला विरोधी भी हैं. वो कैसे हैं? क्योंकि जिस गति से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और उसके साथ अगर इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हमारी जो ज़रूरी वस्तु की चीज़ें हैं उनको अगर उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके चलते महंगाई बढ़ती है, जो कि मैं हवा में नहीं बोल रही, आप पिछले 8 महीने में सरसों के तेल के रेट उठा के देख लीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा. तो वो जो हर एक हाउस होल्ड का, इंडियन हाउस होल्ड का जो बजट है रसोई का, सबसे पहली काट उस पर लगाएगा, जिसका मतलब है कि सबसे पहली काट महिलाओं के ऊपर लगेगी. और उसके बाद ये भी हम बाखूबी जानते हैं कि अगर किसी घर का बजट कम है और उनके पास पढ़ाने का चांसेस सिर्फ एक बच्चे को है, तो वो प्रेफरेंस हमेशा घर के लड़के को मिलेगी, ना कि लड़की को. तो इस तरीके से ये सीधा सीधा महिला विरोधी है और उसके साथ साथ ये इस देश के सारे नागरिकों के विरोध में है, क्योंकि हाल ही में पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है किस तरीके से हमारे देश का सिस्टम कोलैप्स किया है, किस तरीके से भूख से तड़प के लोग इस देश में मरे हैं. तो बजाय कि फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के, हमारी सरकार इस क्रूशियल घड़ी में इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है. और इसी मुद्दे पे आज लगातार महिलाओं ने यहाँ पे अपनी बात रखी है. आज का सेशन जो है वो पूरा महिलाएं एज फार्मर्स, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है और आज फोकस इसी पे रहेगा कि महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन फार्मर की तरह हो, ताकि उनको जो लैंड राइट्स हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं, लोन्स हैं, ये सब चीज़ों में बराबर की भागीदारी मिले. अभी तो हालत ये है कि जिनके पति आत्महत्या कर रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड जो हैं, उनको कंपनसेशन लेने में इतनी दिक्कत होती है और उनका जो लोन है वो उनको उतारना पड़ता है उसके बाद भी महिलाओं को, लेकिन मिलता कहीं नहीं है लोन उनको.
तो ये जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है वेमेन के साथ, जो फार्मिंग में इतना इन्वेस्ट करती हैं वो, लेकिन 13% लैंड होल्डिंग उनके नाम है केवल, आज तक देश की आज़ादी को 74 साल हो गए हैं, तो ये जो कंसर्न्स है उनके उनके ऊपर आज विचार विमर्श है और खास फोकस जो है वो इसके ऊपर है। और इसके साथ साथ जो तीसरा जो कानून बनाया गया है जिसमें जमाखोरी की इजाज़त दी गई है, तो ये जमाखोरी की जो इजाज़त दी गई है खाने की वस्तुओं में, ये बहुत ही गलत कानून है और इससे महिलाओं की भूखमरी जो है वो बढ़ेगी खास तौर पे, क्योंकि जब मतलब नकली तरीके से स्केर्सिटी बनाई जाएगी चीज़ों की, तो महंगाई बढ़ेगी तो खाने पे असर पड़ेगा, तो फिर सबसे पहले कटौती महिलाओं के खाने में और स्वास्थ्य में होती है, तो इस वजह से फिर ये जो महिलाओं पे उसका इम्पैक्ट होगा वो भी आज विशेष डिस्कशन के लिए रखा गया। When the previous Chief Justice of India passed this comment that औरतें सड़कों पर क्यों हैं, I was really pissed off that people, somebody from my legal fraternity who's supposed to follow constitution, who's supposed to know that women are equal citizens in this country, is passing such a lewd remark. That was a lewd remark according to me. So now I really want to say that today is the revolution in making, today is the history in making. We are here claiming our rights, we are here reclaiming India, we are here talking about our rights equally, and we are here to prove that we are the equal citizens of this country. You know, I was hearing while I was coming on the bus that somebody told that earlier we used to be afraid of the police, now we do not, we are not scared of the police even. So I think it's a very brave step from this New Kisan Morcha that they have planned such a big event, and this will be remembered in history to come. If women and kids are even coming on the roads, he should be ashamed of himself and his very policy of ignoring the protests so that they die natural death. This has been his policy. He has done it to various protests. We have CA and RC also. He treated the protests the same way, he ignored. So the same way he is ignoring us. But we will not be ignored. The whole world is watching. The whole world is really watching us. So yes, I think there is no going back, and he should be ashamed of himself. That is all I can say. हमने आज तक चूल्हा चौका चुलाया है, अब हमें संसद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आने वाले टाइम में संसद वालों को यहाँ सड़क पे बिठाना है और सड़क वालों को संसद में भेजना है। आने वाले टाइम में हम अपने वोट का अधिकार ऐसे तरीके से करेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे ने एक वो नहीं कहते हैं एक डफली में डालकर खुंटी पे टांग देंगे, हरियाणा के हैं इनका पक्का इलाज करांगे, कच्चा इलाज में काम कौन चलता, क्योंकि इन लोगों ने नारी शक्ति को कमजोर समझा है। जब उस टाइम लक्ष्मीबाई एक थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई मैदान में है और इन लोगों को यह बता देंगे सत्ता परिवर्तन में नारी शक्ति का अहम रोल होगा और आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद पे कब्जा हम लोगों का होगा, और ये सरकार को वार्निंग है और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें। It is day 3 of the Kisan Parliament, and today's session is going to be conducted entirely by women farmers from all over India.